और चले अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे भारत रत्न की। जी हाँ, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नरसिम्हा राव को मिलेगा भारत रत्न, तो वहीं चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न का पहले ही आदेश हो चुका है। जाटलैंड से दक्षिण तक ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश भारत रत्न पुरस्कारों के जरिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलेगा, साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। तो वहीं वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को भी उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत रत्न दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हो चुका है। तो ऐसे में ये बड़ा मैसेज जाटलैंड से लेकर दक्षिण तक, ये बड़ा मैसेज केंद्र सरकार देने की कोशिश कर रही है, ये तैयारी। तो केंद्र सरकार का ये बेहद बड़ा फैसला, जहां पर पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से नवाजा जाएगा और उन्हीं के साथ ही चौधरी चरण सिंह को भी उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न से नवाजा जाएगा। वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को भी इसमें शामिल किया गया है, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक भी माने जाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की और साथ ही साथ कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने की घोषणा पहले हो चुकी है। और ऐसे में बीजेपी का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक, ये बड़ा ऐलान, जहां जाटलैंड की अगर बात करें तो जाटलैंड से लेकर दक्षिण भारत तक ये बड़ा मैसेज बीजेपी देना चाह रही है भारत रत्न पुरस्कारों के जरिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा पीवी नरसिम्हा राव को, नवे प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के। वही चौधरी चरण सिंह को दिया जाएगा, पूर्व पीएम और जाट नेता रहे हैं चौधरी चरण सिंह। वहीं एम एस स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, कृषि वैज्ञानिक के तौर पर उन्होंने अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी, उन्हें भी भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया गया है। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया जा चुका है। तो ऐसे में इन पांच बड़ी हस्तियों को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए, भारत रत्न के लिए ये नाम सामने आए हैं, तो जिनमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के नवे प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव का नाम शामिल है। वहीं पूर्व पीएम और जाट नेता रहे चौधरी चरण सिंह का नाम भी भारत रत्न के लिए शामिल किया गया है। ये तस्वीरें बेहद खास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है इस पूरे पुरस्कारों को लेकर। एंड टू आवर्स फॉर द अदर टू बिल्स, फर्दर द मिनिस्टर्स आर ऑल्सो डिफरेंट, so they may be taken consecutively if the house so agrees. Sri Nityanand Rai to move a motion for consideration of the Jammu and Kashmir local bodies laws amendment bill 2024. तो वही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान यहाँ पर किया जा चुका है। जयंत चौधरी ने इस फैसले का स्वागत किया है। जयंत चौधरी ने एक पोस्ट के जरिए कहा है कि दिल जीत लिया। तो चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जाटलैंड में अपना अलग प्रभुत्व रखते हैं। तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान जैसे ही हुआ, तो इस बीच जयंत चौधरी ने इस फैसले का स्वागत किया है, और इस फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने पोस्ट किया है कि दिल जीत लिया। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, भारत रत्न के नामों का ऐलान हो चुका है। पूर्व में लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर के नाम का ऐलान भारत रत्न के लिए पहले ही हो चुका है, और उसके बाद आज चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन के नाम का ऐलान
भारत रत्न के लिए किया गया है।